हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अशोक परमार के बारे में। ये जो अशोक परमार थे, ये थे प्रॉपर थे जगनेर थे। जगनेर आया हुआ है भरतपुर में। फिर इन्होंने राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया। खानवा के युद्ध में भाग लेने के कारण इनकी वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया था। बिजोलिया मेवाड़ के अधीन आता था और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो खानवा का जो युद्ध था उसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था। जो जैसे कि एक प्रथा थी पाती पर्वण के तहत राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया था बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो उसमें 7 उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार उपस्थित थे। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि मारवाड़ के राव गंगा, मालदेव, आमेर के पृथ्वीराज कछवा, बीकानेर के कल्याणमल, ईडर के बारमल, जगनेर के जो जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं अशोक परमार, बागड़ के रावत उदय सिंह, देवलिया, देवलिया से रावत बाघ सिंह, जिनकी बायोग्राफी मैं कर चुका हूँ, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, चंदेरी के मेदनी राय, सिरोही से अखिराज और सादड़ी से थे चाला अज्जा। तो इनकी भी बायोग्राफी में लेके आऊंगा। तो इन्होंने भाग लिया वैसा का वैसे, अशोक परमार ने भी भाग लिया था और अशोक परमार को इनकी वीरता से मुग्ध होकर राणा सांगा ने बिजोलिया का ठिकाना भेंट किया था। तो आपको पता होगा बिजोलिया में बिजोलिया किसान आंदोलन हुए थे, जिसमें कृष्ण सिंह परमार, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह परमार, ये सब जो अशोक परमार थे इनके वंशज थे। तो इनके वंशज थे इसलिए हम अशोक परमार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अशोक परमार जो थे कह सकते हैं कि जगनेर से थे और इनको बिजोलिया का ठिकाना मिला था और बिजोलिया के ये कह सकते हैं कि संस्थापक थे। तो बिजोलिया के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। और बिजोलिया जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, अब वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। उस समय जो भीलवाड़ा का एरिया था मेवाड़ के अधीन आता था। बिजोलिया का प्राचीन नाम उपरमाल भी है, उसमें उपरमाल नाम से प्रसिद्ध था। तो जो मांडलगढ़ है वह सांगा का समाधि स्थल था। कैसे था? तो खानवा के युद्ध से परास्त होने के बाद जब सांगा कहाँ पहुंचे? कालपी पहुंचे। कालपी कहाँ पे? वर्तमान में मध्य प्रदेश में। तो कालपी में सांगा कहने लगे कि हम वापस युद्ध करेंगे बाबर से, लेकिन सांगा की हालत सही नहीं थी। उनके उस समय 80 गांव लगे हुए थे शरीर पर, इसलिए उनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। तो उस समय वहां के सरदारों ने, जो उनके सरदार थे साथ में, उन्होंने क्या कर दिया, इनको सामंतों ने जहर दे दिया। जहर देने के बाद वह बसवा 200 आ गए, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई और वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद मांडलगढ़ में लाके जो जगनेर के भरतपुर के शासक है अशोक परमार, इन्होंने क्या किया, मांडलगढ़ में इनके समाधि स्थल बनाया, या फिर कहे तो राणा सांगा की छतरी बनाई।